वेलकम बैक टू चॉट्स कॉस्ट सर्चिंग गाइसिटिक्स। गाइस यहां पे गूगल इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना एक न्यू पीपल कार्ड, जहां पे गाइस आप अपना इसके सर्च इंजन पे खुद का एक पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्पेशली इसके पीपल कार्ड के रूप में आया। और ये स्पेशली गाइस यहां पे गूगल इंडिया में लॉन्च किया है, जहां पे जो इंडिया के यूजर्स वो यूज कर सकते हैं। जहां पे इसको यूज करने के लिए आपको कोई कैपिटल या फिर कुछ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना जो पब्लिक प्रोफाइल कार्ड पीपल कार्ड से डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन की मदद से यूज कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इस पे गाइस यहां पे अपनी सारी डिटेल्स यहां पे सेव भी कर सकते हैं। और ये स्पेशली यहाँ पे गूगल सर्च में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे शीट में आपको गूगल के जो पीपल कार्ड है इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या यूजेस है, सो इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस ये जो गूगल का पीपल कार्ड से, ये स्पेशली गाइस यहाँ पे एक ऐसा कार्ड से जहाँ पे गाइस जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो अपने प्रोफाइल जो है गाइस उसको गूगल के सर्च इंजन पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल सर्च इंजन में कोई बड़े बड़े जैसे क्रिएटर्स नहीं होते, तो उनका जो सर्च इंजन पे उनके नेमिंग आता है, उनके प्रोफाइल्स आती है, उसी प्रकार से गाइस यहाँ पे आप गूगल जो इंडिया में एवरी यूजर्स हैं उनके लिए ये फीचर्स लाया है, जहाँ पे गाइस अपना सभी यूजर्स अपने अपने एक प्रोफाइल कार्ड यहाँ पे पीपल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट या फिर गाइस अपने जो बायो डिशे है उसको गाइस यहां पे इस पे शेयर कर सकते हैं और वो उनका सर्च इंजन में आ जाता है। और जैसे ही कोई सर्च करता है ये कार्ड्स उनको मिल जाता है, जिससे उनको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। इसमें गाइस यूज करने के लिए मतलब कि आपको कोई प्रोफेशनल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप अपने इसमें स्मार्टफोन की मदद से यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको केवल आपका मोबाइल नंबर और यहां पे गाइस आपको गूगल अकाउंट चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, लेकिन गाइस यहां पे आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है और लगभग जितने भी यूजर्स गाइस वो इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया में लॉन्च किया गया है, फर्स्ट टाइम इसे किसी भी कंट्री में लॉन्च नहीं किया गया। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। यहां पे गाइस इसमें लैंग्वेज की बात करते हैं, ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है इंडिया में, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग इसे यूज करेंगे वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में जब फ्यूचर्स आएगा तो उसमें बहुत सी लैंग्वेज हमें क्रिएट हो जाएगी जहां पे हम यूज कर सकते हैं। यहां पे गाइस इसमें फेक अकाउंट की लिमिट है, यानी कि अगर आप फेक अकाउंट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली गाइस यहां पे आपको जो पीपल कार्ड है उसको कैंसिल कर देता है, जो पहले से रहता है उसको कैंसिल कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें फेक अकाउंट की तो कोई बात ही नहीं आती। इसके अलावा गाइस इसमें कोई अब्यूज करता है या फिर गाइस यहां पे कोई लो एंड क्वालिटी का कंटेंट या फिर गाइस कोई अलग-अलग मतलब कि अपने वेबसाइट पे इस पीपल कार्ड्स पे लिखता रहता है, तो उसको गाइस यहां पे ये रिव्यू किया जाता है, जहां पे इसका ऑटोमेटिक सर्च इंजन मशीन होता है जो कि रिव्यू करता है। और जो यहां पे गाइस ये सब वायलेंट होता है उस पे कुछ क्लेम्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से गाइस यहां पे लोग यहां पे मतलब कि एक से ज्यादा अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे या फिर गाइस ऐसे मतलब कि अब्यूजिंग या फिर जो भी चीज है उसको यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते इस पीपल कार्ड्स पे। ये तो रहा गाइस यहाँ पे गूगल के इस पीपल कार्ड्स के बारे में, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आपको गूगल पे जाना होगा, जहाँ पे अपना गूगल अकाउंट पहले से ही लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद गाइस आपको सर्च करना है एड टू मी ऑन सर्च, उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, एड योर सर्च टू गूगल सर्च, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फोन नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे गाइस आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का कोड आता है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। अब गाइस यहाँ पे आपको गूगल यहाँ पे ऑफर करने रखता है आपका लोकेशन शेयर करने के लिए, आपका जो ब्रीफ आपका बायो है उसको आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी डिटेल्स गाइस डायरेक्टली आप इसमें शेयर कर सकते हैं और ये बन जाता है गूगल का ये पीपल कार्ड। यहाँ पे गाइस आप इसमें शेयर कर सकते हैं अपना ऑक्यूपेशन, वर्क स्पेस, अपना होम टाउन या फिर गाइस अपनी वेबसाइट, लोकेशन सर्विस, जितने भी गाइस यहाँ पे डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप अपने गूगल के इस पीपल कार्ड पे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आप जैसे सेव कर देंगे ये गाइस यहाँ पे कुछ समय के अंदर में आपका पीपल कार्ड क्रिएट कर देता है और उसके बाद गाइस यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाता है गूगल के सर्च इंजन पे। जहां पे कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल उसको शो होती है और वो डायरेक्टली गाइस यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकता है। गूगल का ऐसा भी करना है गाइस ये आने वाले समय मतलब कि आप एक बार क्रिएट कर दिए तो फिर इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पे कोई गलती हो गई या फिर आप लोकेशन या फिर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट समय में। और गाइस यहां पे ये कुछ है गूगल के इस पीपल कार्ड्स के बारे में, जहां पे गाइस आप अपना खुद का पब्लिक प्रोफाइल बना सकते हैं इसके सर्च इंजन पे। और गाइस यहां पे ये कुछ है गूगल के पीपल कार्ड्स के बारे में। आई होप मैंने आपको इसके बारे में जो भी डिटेल्स बताई वो आपको प्रॉपर्ली तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, डू सम न्यू, डू सम डिफरेंट। Thanks for watching.